तो आज पराक्रम का शुक्रवार है, शौर्य का दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मशीन गन भी चलाई, मल्टी बैरल गन हाथ में थामे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्रिम मोर्चे पर लद्दाख में मौजूद सीरियस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे के साथ। तो जवानों से मिले और साथ ही साथ ये ट्रेलर आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना कितनी काबिल, कितनी सक्षम है दुश्मन देश से निपटने के लिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। तो सूर्योदय के साथ ही अखंड और प्रचंड भारत का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया गया है। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठबंधन को भी, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। मानस भाई, पराक्रम का शुक्रवार है। आज सुबह सूर्योदय के साथ ही भारत ने चीन को अखंड और प्रचंड संदेश दे दिया है, शौर्य का संदेश। ये संदेश एनएसी पर भारत के रक्षा मंत्री की यात्रा के जरिए दिया गया। भारत का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पराक्रम का शुक्रवार शौर्य का शुक्रवार। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना का शौर्य देखिए। हवा में उड़ते लड़ाकू विमान, विमानों से उतरते पैराट्रूपर्स, जमीन पर टैंकों के सटीक टारगेट और रक्षा मंत्री के हाथ में मशीन गन। भारतीय सेना की ऐसी तस्वीरें, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम जिसने चीन समेत पूरी दुनिया को एक बड़ा जवाब दे दिया है। इस शक्ति प्रदर्शन की एक एक तस्वीर भारतीय सेना के शौर्य की गवाही दे रही है। जगह है लद्दाख का स्टकना, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। आसमान में अपाचे और M1 उड़ान भर रहे थे, वहीं जमीन पर T-90 अपना पराक्रम दिखा रहा था। तोपों की आवाज और वायु वीरों की गर्जना से लद्दाख की पहाड़ियां गूंज रही थी। लद्दाख के स्टकना में ये तस्वीरें आम नहीं है, ये अत्याधुनिक हो चुकी भारतीय सेना की गवाही देती है। शक्ति और शौर्य से भरपूर सेना के पराक्रम को दुनिया को दिखाती है। ये युद्ध अभ्यास लद्दाख में LAC के पेंगोंग झील के पास किया गया, उस लद्दाख में जहां LAC पर चीन के साथ हालात तनावपूर्ण हैं, और उस पेंगोंग झील में जहां चीन हटने से इनकार कर रहा है। इसी पेंगोंग में सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। LAC के पास वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास दुश्मन के लिए एक बड़ा संदेश है। इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे थे और उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। शक्ति प्रदर्शन में सबसे पहले पैरा ट्रूपर्स ने अपना शौर्य दिखाया, जिसके बाद अपाचे आया और बाद में T-90। LAC पर ये शौर्य देख देशवासी का जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। गर्व होता है हमारी सेना पर कि वो कितनी सक्षम, कितनी काबिल है। बिल्कुल ठीक बोला है मानसू, इसमें कोई शक नहीं। एक प्रकार से बहुत बड़ा मैसेज है अपने जवानों के लिए, अपने देश के लिए, कि भारत की सेना की काबिलियत कितनी है। उस भरपूर ये तस्वीरें देखकर किसी भी के अंदर एयर पावर है, उसके बाद जो आपके ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उसके बाद आपके पास जो असला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो 62 वाला नहीं भारत, अब बदला हुआ भारत है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से आज रक्षा मंत्री आगे गए हैं फॉरवर्ड लाइन में, तो ये मोराल बूस्ट करता है हर जवान का। जिस प्रकार से उन्होंने LMG अपने हाथ में ली, वो भी एक कहीं ना कहीं दर्शाता है पूरा देश आपके साथ खड़ा। मगर इसका सबसे ज्यादा बड़ा मैसेज है चीन और पाकिस्तान के लिए। चीन को यह दिखलाया जा रहा है जिस प्रकार से वो साइबर वारफेयर करता रहा है, साई वार करता रहा है और अपनी वीडियो जारी करता रहा है। हम असली में दिखा रहे हैं चीन को कि भारत की फौज की क्या काबिलियत है, क्या क्षमता है। हमारे पास पैरा ट्रूपर भी, स्पेशल फोर्सेज भी हैं जो चीन के अंदर जा सकती हैं, जिनको
आपके जहाज से ड्रॉप किया जा सकता है। फिर आपके पास एयर पावर, देखो आज की तारीख में जो एयर पावर है भारत की वो कहीं बहुत ज्यादा अच्छी है चीन के मुकाबले में। आपके पास सुखोई 30 MKI, MiG-29, Mirage 2000, जगोर, उसके बाद अपाचे अटैक हेक्टर जो है एक गेम चेंजर है। जबकि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी टैंक की लड़ाई जो कि आपके चुशूल, डेमचोक और डेपसंग के प्लेन इलाके में हो सकती है, तो ये एक गेम चेंजर का काम करेगी। और इसी प्रकार आपने दिखाया हमारे पास आज आधुनिक, सबसे आधुनिक जो टैंक T-90 है वो भी हमने इंडक्ट कर दिया है लद्दाख के अंदर। तो ओवरऑल चीन को यह बताया जा रहा है हम भारत आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, या तो आप स्टेटस को एंटी मेंटेन करें जो आप अप्रैल 2020 में था, नहीं तो भारत किसी हद तक जाने जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है चीन को भी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान एक प्रकार कलूजन कर रहा है चीन के साथ और एक एडवेंचरिज्म करने की ट्राई कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, 2 डिवीजन उसने वहां पर डिप्लॉय कर लिए हैं और स्कारतू का जो एयरफील्ड है वो ऑलमोस्ट चीन को दे दिया है। तो उसको भी एक मैसेज है कि भारत के अंदर काबिलियत है 2 फ्रंट पे लड़ने की, भारत दोनों को निपट लेगा चीन को भी और पाकिस्तान को। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा मैसेज है और एक मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत जो है इतना काबिल देश है चीन के साथ मुकाबला डट के करके और चीन को पीछे धकेलेगा। तो मैं यही समझ रहा हूँ द्विवेदी जी, पूरी दुनिया हमारे देश की ओर की तरफ ही देख रही है बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ, क्योंकि ये उम्मीद इस तस्वीर में नजर आती है कि T-90 टैंक से लेकर चाहे वो अपाचे हो, सुखोई हो, MiG-29 हो, आधुनिक साजो सामान से लैस है आज हमारी सेना। वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है, ये बलवान भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये 2020 का भारत है। बिल्कुल मीमांसा जी, देखो पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है, हम फ्लैग बेयरर्स हैं और इससे पूरे बाकी देशों की बड़ी हौसला अफजाई होगी कि ये देखो भारत खड़ा है तो हम भी खड़े हो सकते हैं। तो भारत एक मिसाल बनकर पूरे विश्व में एक मिसाल पैदा कर रहा है कि देखो चीन का मुकाबला हम कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो जो ये स्टकना में जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, आजकल पूरा युद्ध कंबाइंड आर्म्स युद्ध है या कंबाइंड आर्म्स में है कि इसमें पूरी जो आर्म्स इसमें हिस्सा लेती है, इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टी, और ये पैरा ड्रॉप है, ये स्टार्टनम हम पैरा ड्रॉप कहते हैं स्पेशल फोर्सेस में। आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल पैरा ड्रॉप होती है क्योंकि वहाँ हवा का कम दबाव होता है और जब पैरा ट्रूपर हम नीचे आते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं। तो ये एक बड़ा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई अल्टीट्यूड पैरा ट्रूपिंग में, ये आम पैरा ट्रूपिंग नहीं है। साथ ही साथ माउंटेन वॉरफेयर देखो बिल्कुल अलग तरह का वॉरफेयर है और दुनिया में हमारा माउंटेन वॉरफेयर में पूरी दुनिया लोहा मानती है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश हमारे साथ युद्ध अभ्यास करना आते हैं, तो इसलिए हमारी क्षमता बहुत है। तो मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि ये जो अभी युद्ध अभ्यास हमने रक्षा मंत्री जी को दिखाया, ये एक चीन के लिए मैसेज है कि अभी हमारी रणनीति बदल गई है, हम अभी रक्षात्मक नहीं, हम आक्रामक रणनीति में आ गए हैं। और ये जो अगर वो अपनी जो ताकत है, उसने काफी ताकत लगाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिनचांग मिलिट्री रीजन की 2 डिवीजन है, 4 मोटराइज्ड डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन, ये दोनों डिवीजन वो लेके आया है, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर आगे लेके आया है और अभी रॉकेट फोर्स लेके आया है, स्ट्रेटेजिक फोर्स लेके आ रहा है। तो इसका हमें मुकाबला करना ही होगा और ये जो ताकत हम भी लेके आए हैं, T-90 है, BMP टैंक्स है, पैरा ट्रूपिंग है, आधुनिक हथियार है, इसी के साथ हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं और ये संकेत दे सकते हैं। और तीसरी बात याद रखिए, अमेरिका जो है चीन अमेरिका से घबराता है। अभी अभी माइक पॉम्पियो ने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है पूरे विश्व में इसने एक दबाव पैदा किया है, एक तनाव पैदा किया है और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और उसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं वो शी जिनपिंग है। तो ये शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत कड़ा मैसेज के बाद हम देख रहे हैं किस तरह से जो पूरी दुनिया के देश हैं वो लामबंद हो रहे हैं और आर्थिक चोट अब चीन पर पहुंचाने की कोशिश हर कोई देश इस बारे में सोच रहा है। ताकत वतन की हमसे है, हम हैं वतन के रखवाले। आज सरहद से सेना के जवानों ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया। लद्दाख में रक्षा मंत्री के साथ ये निशाना सीधे चीन पर है। मशीन गन से निशाना लगाते रक्षा मंत्री का पराक्रम देख दुश्मन कांप उठा है।
एलएसी पर टैंक के साथ रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें चीन को डायरेक्ट मैसेज है। बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। रक्षा मंत्री जब लेह पहुंचे तो शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि यहां से सेना के शक्ति प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें आएंगी जो दुश्मन देश के लिए एक चेतावनी है। देश का रक्षा विश्वास बढ़ाने वाला ये शक्ति प्रदर्शन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला है। अग्रिम मोर्चे पर देश का अग्रिम नेतृत्व चीन को सख्त संदेश देने के लिए खड़ा है। आज सुबह करीब 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। उसके बाद राजनाथ सिंह का काफिला लेह के रेगिस्तान से निकलते हुए स्टकना पहुंचा। लेह से करीब 25 किलोमीटर दूर और 10,784 फीट की ऊंचाई पर राजनाथ सिंह ने चीन को अपने ताकतवर तेवर दिखाए। सीमा पर तनातनी के बीच पिछले 2.5 महीने में कई बार चीन अपने विश्वासघाती चरित्र को दिखा चुका है। इसीलिए भारत इस बार चीन की हर चाल पर सतर्क है और उसके दावों पर नजर रखने के लिए ही पहले खुद देश के प्रधानमंत्री और अब देश के रक्षा मंत्री सरहद पर पहुंचे हैं। देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों का हौसला बुलंद करने के साथ ही रक्षा मंत्री ने चीन को अखंड और प्रचंड संदेश दिया। ये शौर्य का संदेश था। भारत का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भारत अब रक्षात्मक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कृष्णमोहन मिश्रा 11,000 फीट की ऊंचाई पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगभग अब 14,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। और ये हौसले की उड़ान आप इसे कह सकते हैं। और ये एक नई ऊर्जा का संचार होता है इन तस्वीरों को देखकर, जब देशवासी ये देखते हैं कि हमारे पास टैंक्स भी हैं, हमारे पास आधुनिक साजो सामान है दुश्मन देश से निपटने के लिए, हमारे जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। एक नया भरोसा, एक नया विश्वास सभी देशवासियों में जगता है ये देखकर। मीमांसा, भारतीय सेना इस समय पूरी दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी सेनाएं, सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक सेनाएं हैं, उनमें से आती हैं भारतीय सेनाएं। तो भारतीय सेनाओं की ताकत पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इस बार अलग क्या रहा? अलग ये रहा कि चीन ने भारत के इतने तेज रिएक्शन के बारे में नहीं सोचा था कि इतने कम वक्त में भारतीय सेनाएं इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आधुनिक साजो सामान के साथ एलएसी पर आ जाएंगी। और भारतीय सैनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही हर स्थिति में दृढ़ रहेगा, चीन की किसी भी बंदर घुड़की पर कान नहीं देगा। ये चीन के लिए एक आश्चर्यजनक बात रही होगी और इसीलिए चीन बातचीत की टेबल पर आया है। अभी जो आप देख रही हैं वो स्टागना में पैराड्रॉपिंग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे इलाकों में जहां पर आने जाने की सुविधाएं उतनी ज्यादा ना हो, वहां पर पैराड्रॉपिंग अक्सर लड़ाई का रुख बदल देती है। लेकिन इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लुकोंग जाएंगे, लुकोंग पेंगोंग झील के किनारे की जगह। दरअसल पेंगोंग झील लुकोंग गांव पर से शुरू होती है भारत की तरफ से अगर माना जाए तो, और उसके बाएं हाथ की तरफ से अगर जाना शुरू करें तो फोब्रांग होके फिंगर एरिया में एंटर करते हैं। यानी कि रक्षा मंत्री उस इलाके लगभग उसी इलाके में जाएंगे जहां भारत और चीनी सेनाओं के बीच में सबसे बड़ा तनाव है और जहां पर 5 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में मारपीट हुई थी। जिस जगह पर वो घटना हुई थी वो जगह कुछ ही किलोमीटर दूर होगी उस जगह से जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। और ये बहुत बड़ा मोराल बूस्टर होता है भारतीय सैनिकों के लिए जो उस मुश्किल हालात में तैनात हैं। सामने चीन की सेना है, मौसम खराब है और उस सख्त परिस्थितियों में जो सैनिक तैनात हैं उनके बीच में अगर रक्षा मंत्री इतने करीब अग्रिम मोर्चे के पहुंचता है तो उनके हौसले की उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती है। और ये संदेश चीन के लिए भी होगा कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बैठता है, वो सबसे आगे के मोर्चे तक भी आता है। प्रधानमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, वो निमू गए थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।